सीधे भाईकला जेल की अब आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नवनीत राणा बीते कई दिनों से बंद थी। हनुमान चालीसा पाठ विवाद मामले में आज ही उन्हें सेशंस कोर्ट से बेल मिली है। उनकी बेल की मंजूरी सुबह हुई जब सेशंस कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी है। 50,000 के निजी मुचलके के साथ नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को जमानत मिल चुकी है। नवनीत राणा की तस्वीरें भी आ गई हैं, वो रिहा हो चुकी हैं भाईकला जेल से। ये कहा गया है कि वो मीडिया से मुखातिब नहीं हो सकती हैं, राणा दंपति प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते हैं, इस पूरे मामले में कोई बयान नहीं दे सकते हैं, मुंबई से बाहर जा सकते हैं नहीं। इस पर कोर्ट के डिटेल ऑर्डर का इंतजार करना होगा। लेकिन इस बीच कोर्ट ने यह भी कहा है कि अब इस पूरे मामले में कोई भी ऐसी चीज राणा दंपति नहीं कर सकते हैं जिससे विवाद और ज्यादा बढ़ जाए या फिर बड़ा हो जाए। और इससे पहले हमने आपको यह भी दिखाया था कि कैसे राणा दंपति के घर पर बीएमसी की टीम पहुंची थी, वहां पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है इल्लीगल निर्माण को लेकर, अवैध निर्माण को लेकर ये नोटिस लगाया गया है और बीएमसी की कार्रवाई भी उनके घर पर हो सकती है। तो भाईकला जेल से अब रवाना हो चुकी हैं नवनीत राणा और मुस्तफा शेख इस वक्त मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मुस्तफा, अब सीधे घर जाएंगी नवनीत राणा? देखिए, नवनीत राणा का अभी तक बेल का प्रोसीजर है वो खत्म नहीं हुआ है। जो सुबह से अटकलें लगाई जा रही थी वो ये है कि शायद नवनीत राणा को जेके हॉस्पिटल ले जाया जाए, वहां पर उनका जो स्पॉन्डिलाइटिस का चेकअप है वो चेकअप किया जाएगा। अब वो ही लग रहा है कि चेकअप के लिए उनको ले जाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि चेकअप के लिए उन्हें जेजे हॉस्पिटल की तरफ लिया जाएगा। अभी भाईकला जेल से उन्हें निकाला गया है, वो अभी बीच रस्ते में है, अभी तक जेजे हॉस्पिटल पहुंची भी नहीं है। लेकिन क्योंकि उनकी जो बेल की सारी प्रोसेस है वो अभी तक खत्म नहीं हुई है, इसलिए ये कहना कि रवनीत राणा को बेल पर बाहर किया गया है ये मुश्किल होगा। लेकिन सुबह से ही अटकें लगाई जा रही थी कि उनके वकीलों ने शिकायत की थी कि स्पॉन्डिलाइटिस की उनको तकलीफ है नवनीत राणा को, उसके बाद भी उनको जो फैसिलिटी है वो फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही है। और इसीलिए आज सुबह से ही अटके रही थी कि नवनीत राणा को चेकअप के लिए जेजे हॉस्पिटल ले जाया जाए, तो शायद उन्हें जेजे हॉस्पिटल की तरफ ले जाया जाए, ऐसा हम कह सकते हैं। फिलहाल ऑन द वे है, भाईकला जेल से उन्हें निकाला गया है। इस वक्त उनका जो कॉन्वॉय है वो ठीक है, यानी कि ये माने कि अभी ये क्लैरिटी नहीं है कि जेजे अस्पताल जा रही है या नहीं, लेकिन स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत नवनीत राणा की ओर से की गई है। सुबह भी जब उनके वकील कोर्ट से बाहर आए थे तो उन्होंने कहा था कि सुबह ही दरअसल जेजे अस्पताल ले जाया जाना था यहाँ पर मुस्तफा, लेकिन किसी कारणवश वो अस्पताल नहीं गई थी। अब अस्पताल की ओर जेजे या फिर और कुछ प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज भी बाकी हैं? जी बिल्कुल, बेल की जो फॉर्मेलिटीज है उसके लिए नवनीत राणा को जेल से बाहर निकालने की जरूरत नहीं थी, तो इसमें यही एक पॉसिबिलिटी लग रही है कि हेल्थ चेकअप के लिए उनके लिए आप कह सकते हैं कि उन्हें जेल से बाहर निकाला गया। और दूसरा इसमें सवाल ये है कि नवनीत राणा एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अगर उन्हें हेल्थ की शिकायत थी तो फिर जेल में उनका इलाज जल्द ही क्यों नहीं किया गया, क्यों उनके वकील को शिकायत करनी पड़ी और क्यों बेल मिलने के बाद उनको हेल्थ चेकअप के लिए ले जाया जा रहा है। तो ये सारे जो सवाल है वो अब आप कह सकते हैं कि खड़े हो रहे हैं इस बात को लेकर के। लेकिन फिलहाल आप कह सकते हैं कि नवनीत राणा यहाँ पर आप देख पाएंगे जो तो पुलिस की सायरन, पुलिस की गाड़ी दिख रही है वहां पर, वो गाड़ी जो है उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नवनीत राणा मौजूद है जिनको बेल दे दी गई है आज पूरे जो केस है उसमें। और उसके बाद आप कह सकते हैं कि अभी फिलहाल जेजे हॉस्पिटल में उनकी जो कार है वो हम यहाँ पर घुसते हुए देख सकते हैं कि जेजे हॉस्पिटल उनको यहाँ पर ये कह सकते हैं कि चेकअप के लिए जो लाया जाना था जेजे हॉस्पिटल उनको लाया गया है। तो बेल मिलने के बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नवनीत राणा को जेजे हॉस्पिटल में ले जाया गया है, जेजे हॉस्पिटल में उनका हेल्थ चेकअप किया जाना है, जेजे हॉस्पिटल में जो स्पॉन्डिलाइटिस का इलाज है वो किया जाना है। वकीलों ने ये शिकायत की थी कि क्योंकि नवनीत राणा को फर्श पर सोना पड़ा जेल में जब उठी, उससे उनका जो स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द है वो बढ़ गया है, उसके बाद उनकी जो तकलीफ है वो ज्यादा हो गई है, इसलिए आप कह सकते हैं कि नवनीत राणा को इस वक्त ठीक है।